आज का जो हमारा टॉपिक है वो काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन पे है। काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन में मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें एक टेस्ट है टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स, कि टू एट्रीब्यूट्स का इंडिपेंडेंस हमने चेक करनी होती है काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से। पहले तो ये है कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स दरअसल आपने पहले पढ़ा हुआ है कि ये क्वालिटेटिव वेरिएबल होते हैं, कि वो वेरिएबल जिनको आप न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, कि वेरिएबल विच कैनॉट बी मेजर न्यूमेरिकली, जैसे आपकी लोकेलिटी हो गई, जेंडर हो गया, सोशल क्लास हो गई, लाइकिंग डिसलाइकिंग हो गई, ब्यूटी हो गई, प्रोफेशंस हो गए, ऑल दीज आर वेरिएबल ऑफ क्वालिटेटिव नेचर आर एट्रीब्यूट्स। तो इन एट्रीब्यूट्स को हमने टेस्ट करना होता है कि ये टू अगर एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं या के डिपेंडेंट हैं। इन दिस टेस्टिंग प्रोसीजर वी डील विद द इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। मसलन इसमें किस तरह के हाइपोथेसिस हो सकते हैं, कि ये तीन एग्जांपल्स आपको दी गई हैं कि वेदर जेंडर एंड प्लेइंग क्रिकेट आर इंडिपेंडेंट आर एसोसिएटेड, के जेंडर और क्रिकेट का खेल जो है या क्रिकेट खेलना जो है ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं या के डिपेंडेंट है। दूसरा ये है कि वेदर द रीडिंग हैबिट्स इज एसोसिएटेड विद लोकेलिटी, क्या जो आपकी रीडिंग हैबिट्स है ये लोकेलिटी के साथ एसोसिएट करती है या लोकेलिटी पे डिपेंड करती है या नहीं करती। लोकेलिटी से मुराद क्या है, अर्बन रूरल, के ये तो नहीं है कि अर्बन लोग जो है ज़्यादा रीडिंग हैबिट्स है उनकी, किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं या अखबार ज़्यादा पढ़ते हैं, और रूरल लोग जो है वो कम पढ़ते हैं। तीसरी एग्जांपल ये है कि वेदर द एम्प्लॉयज ऑफ बिग फर्म्स आर मोर सेटिस्फाइड देन डेट ऑफ स्मॉल फर्म्स, के बड़ी फर्मों के लोग एम्प्लॉय जो हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल फर्म्स, के एक तो आपका एट्रीब्यूट हो जाएगा सेटिस्फेक्शन लेवल, और दूसरा एट्रीब्यूट हो जाएगा के साइज ऑफ द फर्म्स, के बिग फर्म्स स्मॉल फर्म्स, तो इन दोनों के दरमियान आप जो है एसोसिएशन चेक कर सकते हैं। अब एसोसिएशन को चेक करने के लिए आप कौन सा जो है प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, कि जैसे आपको पहले बताया हुआ होता है कि फॉर्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं हम, इसमें हाइपोथेसिस एक ही तरह के बनते हैं कि एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, ये नल हाइपोथेसिस हो जाता है, अल्टरनेट में आ जाता है कि एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए तो इसका मतलब यह है कि आपके एट्रीब्यूट्स जो हैं आपस में इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे असरअंदाज नहीं हो रहे। अगर आपका अल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि एट्रीब्यूट्स जो हैं इनका आपस में तल्लक जो है वो पाया जाता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वही 5%, 10% या 1%। टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है, जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो आप इस्तेमाल करते हैं कि काई स्क्वेयर कैलकुलेटेड, ये नोटेशन आप डालते हैं इस तरह से कि एक्स जैसे बनाते हैं इसी तरह इसकी एक टांग आप लंबी कर देते हैं। काई स्क्वेयर कैलकुलेटेड बराबर होता है किसके, इसके नीचे छोटा सा सी डाल दें कि कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वेयर, ये आपका थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टेटिस्टिक के लिए, ये बराबर होता है समीशन ओ माइनस ई इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई और ये होल का समीशन, के ये आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक बनता है। जबकि ओ क्या है, ओ आपकी ऑब्जर्व वैल्यूज कहलाती हैं, ई जो है एक्सपेक्टेड वैल्यूज कहलाती हैं। ये आगे चल के हम देखेंगे कि वर्ड वैल्यू कौन सी होती है और एक्सपेक्टेड वैल्यू कौन सी होती है, इसको आप टेस्ट स्टेटिस्टिक कह देते हैं। और फोर्थ स्टेप आपके पास क्या होता है,
कि आपने क्रिटिकल रीजन बनानी होती है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि क्या होती है क्रिटिकल रीजन, के वो रीजन जहाँ अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाए तो हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर देते हैं। क्रिटिकल रीजन में क्या होगा कि अगर आप इसकी काइस्केर की डायग्राम बनाते हैं कि फर्ज करें कि 5% अल्फा रखा हुआ है आपने, तो अल्फा की वैल्यू अगर 5% है तो जहाँ काइस्केर अल्फा की वैल्यू आती है, अगर इस वैल्यू से आपकी टेबल वैल्यू एक्सीड कर जाती है तो हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर देते हैं। इसे हम लिख सकते हैं कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा या काई स्क्वायर टेबल। इसमें वन टेल टेस्ट ही आमतौर पर इस्तेमाल होता है, काई स्क्वायर अल्फा या जहां काई स्क्वायर टेबल भी बाज़ूकात लिखा होता है। तो जैसे काई स्क्वायर अल्फा से वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, ग्रेटर देन या इक्वल टू भी आ जाए तब भी रिजेक्ट कर देते हैं, या इस तरह नोटेशन लिख देते हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर अल्फा से अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पांचवें स्टेप में आप क्या करते हैं, कंप्यूटेशंस करते हैं। कंप्यूटेशंस में इस फार्मूले के मुताबिक जो है आप वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करेंगे, अब्जर्व में से एक्सपेक्टेड माइनस करके, उनका स्क्वायर करके, एक्सपेक्टेड पे डिवाइड करके और सारी वैल्यूज का टोटल करके आप लिखेंगे, छठे में कंक्लूजन ड्रा कर देते हैं, कंक्लूजन जो है वो ड्रा कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो टेबल हम बनाते हैं या काई स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कैसे देखते हैं। काई स्क्वायर अल्फा की वैल्यू देखने के लिए एक तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए और दूसरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो आपने 5% या 10% जितना भी बनाया होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए क्या होती है कि R-1 × C-1। R क्या है, नंबर ऑफ रोज, और C क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। जितनी रोज हों उनमें से -1 कर देंगे, जितने कॉलम्स हैं उनमें से -1 कर देंगे और दोनों को आपस में फर्क दे देंगे, तो वो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगी। तो टेबल से वैल्यू देखने के लिए इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, इधर लेवल लिखे होते हैं, 1% है, 5% है, 10% है, जो भी लेवल होंगे। ये टेबल मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर बने हुए हैं टेबल, कि ये अगर आप टेबल देखें तो टेबल में पर इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपको पहले कॉलम में नज़र आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम्स दी हुई हैं, और इसके अगेंस्ट इधर जो है आपको लेवल्स दिए हुए हैं। मोस्टली आप 5% अल्फा रखते हैं तो 5 के नीचे ये वाली जो है वैल्यूज़, ये 5% अल्फा में इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो ये टेबल आमतौर पर हम काई स्क्वायर में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल एग्जांपल हम कैसे करेंगे, कि ये अभी हम करते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो है कि काई स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हम एग्जांपल का सहारा लेते हैं, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं कि इन ऑर्डर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस वेदर लाइकिंग ऑफ क्रिकेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेंडर, एग्जाम्पल ऑफ 1000 स्टूडेंट इज टेकन विच इंडिकेट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, टेस्ट एट इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसमें टू एट्रीब्यूट्स हैं, एक एट्रीब्यूट्स है आपके पास लाइकिंग और दूसरा एट्रीब्यूट है आपके पास जेंडर। तो इन दोनों के दरमियान आपने इंडिपेंडेंस जो है वो चेक करनी है। तो डाटा आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, बाई वेरियट टेबल कहते हैं, जिसमें दो तरफ रोज एंड कॉलम्स बने हुए होते हैं, कि एक तरफ आपके ये लिखा हुआ है कि प्लेइंग क्रिकेट, डू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, के क्रिकेट खेलते हैं या पसंद करते हैं, और दूसरा वो जो क्रिकेट नहीं खेलते या पसंद नहीं करते। एक तरफ जेंडर लिखा हुआ है कि मेल एंड फीमेल। टोटल 600 थे जिनमें 400 मेल
क्रिकेट पसंद करते हैं और 200 जो हैं वो क्रिकेट नहीं पसंद करते। इसी तरह फीमेल में 100 जो हैं क्रिकेट पसंद करती हैं या खेलना पसंद करती हैं, 300 जो है वो पसंद नहीं करते। टोटल आपके 1000 हैं, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे आपने इसके सोल्यूशन की तरफ जाना है कि इसको आपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाहिर है कि पहले हम जो है प्रोसीजर लिखेंगे। बावकात बाव एग्जामिनर जो होते हैं ये प्रोसीजर लिखने के भी मार्क्स रखे हुए होते हैं, मार्क्स इनके हिसाब से भी दिए जाते हैं, तो इसलिए ये प्रोसीजर लिखना भी लाजमी होता है। कि पहला क्या है कि फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है कि नल हाइपोथेसिस आप बनाएंगे कि एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, अल्टरनेट होगा कि एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड, या आप लिख देते हैं एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट आर रिलेटेड, ये भी लिखा जा सकता है। सेकंड जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फर्ज करें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5% है तो 5% लिख लेंगे। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स जो फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड और सब का जो है समिशन आपने करना है, ये काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू बनाने के बाद फोर्थ स्टेप में आप क्रिटिकल रीजन बनाते हैं। वो क्या होती है कि हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कब करना है, तो वो रूल आपने लिखा हुआ है डिफियन रूल के रिजेक्ट एच नॉट व्हेन काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा, और काई स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आप टेबल से देख सकते हैं। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी कि आर माइनस वन सी माइनस वन, आर जितने रोज होंगी उनमें से वन माइनस करेंगे, टू रोज हैं तो वन माइनस किया तो वन रह जाएगा, सी जितने कॉलम होंगे उसमें से वन माइनस करेंगे तो कॉलम्स में से आपने जो है ये कॉलम्स हैं आपके, कॉलम में से वन माइनस किया टू माइनस वन, ये भी वन आ गया ये भी वन आ गया, दोनों आपस में ज़रब होके वन आ जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वन डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप 5% लेवल पे जो अभी मैंने आपको टेबल दिखाया था उसमें वैल्यू देखें तो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है कि 3.84, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने कंप्यूटेशंस की तरफ जाना है कि कंप्यूटेशंस जो हैं वो कैसे की जाती हैं। कंप्यूटेशंस के लिए कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये डाटा है कि इस डाटा में इधर आपके पास मेल फीमेल हैं, ये लाइक करने वाले हैं, डू नॉट लाइक वाले हैं, तो ये 400 ये 200 थे और इधर आपके पास थे 100 फीमेल हैं और 300 फीमेल हैं, टोटल इनका 500 है, ये भी 500 है, इधर टोटल करें तो 600 है, इधर टोटल करें तो 400 है, ये आपके पास डाटा दिया हुआ है। अब इस डाटा में ये वाली वैल्यू जो होती हैं जो पहले से आपको क्वेश्चन में दी हुई होती हैं इनको आप ऑब्जर्व वैल्यूज कह देते हैं, जो आपने ऑब्जर्व की हैं या डाटा से जो आपने ऑब्जर्व की हैं ये ऑब्जर्व वैल्यूज कहलाती हैं। ऑब्जर्व वैल्यूज जिन्हें आप ओ से बाहर कर देते हैं और हर ऑब्जर्व वैल्यू के अगेंस्ट आपने एक एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी होती है। मतलब 400 ऑब्जर्व वैल्यू है तो इसके लिए एक एक्सपेक्टेड होगी, एक इसके लिए होगी, एक इसके लिए, एक इसके लिए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं कि अगर 400 के लिए आपने निकालनी एक्सपेक्टेड वैल्यू, या पहली आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, इसे एक्सपेक्टेड को ई से बाहर करते हैं, ई वन वन फर्ज करेंगे इस पॉइंट पे आपने ये निकालनी है, तो इसमें जो इसकी जो रो होगी इसको आप ओ वन वन कह देते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू को, इसकी रो का टोटल, इसके कॉलम का टोटल, के C
600 into 500, ये वाला टोटल जो है और ये वाला टोटल डिवाइडेड बाय ये 1000 था, 1000 पे आप इसे डिवाइड कर दें। ऐसे ही बाकी की वैल्यू जो है वो आप निकालते जाएंगे कि अगर इसके लिए आपने निकालनी है 200 के लिए तो इसकी रो का टोटल वही 600 होगा, इसके कॉलम का टोटल 500 होगा, 600 इंटू 500 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल 1000 आप करते हैं। 300 के लिए निकालनी है तो ये किस रो में है उसका टोटल, जिस कॉलम में है उसका टोटल, 400 500 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 पे डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से ये आपने सारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाल देनी है। अब इस तरह से है कि ये टेबल तक पहुंचने के लिए या काई स्केल कैलकुलेट करने के लिए अब्सर्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू के अलग अलग कॉलम बना लेंगे हम, कि वर्ग के लिए ओ वर्ग के लिए और ई जो है एक्सपेक्टेड के लिए। वर्ग वैल्यू जैसे मैंने कहा था जो पहले से मौजूद होती हैं वो आपकी वर्ग वैल्यूज होती हैं कि 400 है, 200 है, 100 है और 300 है। ये आपकी अब्सर्ड वैल्यू आ रही 400, 200, 100 एंड 300। हर अब्सर्ड वैल्यू के लिए आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। जैसे आपको बताया कि 400 के लिए जब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो ये 400 जिस रो में है इसका टोटल, ये वाला टोटल, और जिस कॉलम में है, कॉलम ऊपर से नीचे होता है, इसका टोटल, दोनों को आपस में ज़रब करेंगे और डिवाइडेड बाई ये ग्रैंड टोटल, ये जो इनका सब का टोटल आता है इधर से या इधर से, इस पर डिवाइड करते हैं। इसको अगर आप कंप्लीट करें तो ये 300 आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास 200, ये वर्ड वैल्यू है और इसके लिए आपने देखना है तो जिस रो में है उसका टोटल तो 600 ही है, जिस कॉलम में है उसका टोटल भी 500 है, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो ये भी 300 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू आपकी ये 100 है, ये वाली 100, ये जिस रो में है उसका टोटल 400, जिस कॉलम में है उसका टोटल 500 और डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल आपको पता है 1000, इस पर डिवाइड कर देंगे और ये आपके पास आ जाएगा 200। नेक्स्ट ये 300 है, ये वाला 300 है ये, और ये जिस रो में है उसका टोटल 400, इस रो में है तो 400 इसका टोटल है रो का, और जिस कॉलम में है उसका टोटल, कॉलम ऊपर से नीचे होता है, ये इस कॉलम में है, ये टोटल 500 डिवाइडेड बाय 100 1000 एंड वी गेट 200। तो ये आपकी अब्सर्ड वैल्यू थी, ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट हम काम करते हैं कि अब्सर्ड वैल्यू में से एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस करते हैं, अब्सर्ड में से एक्सपेक्टेड माइनस करते हैं। ये अब्सर्ड है, ये एक्सपेक्टेड है। अब्सर्ड में से एक्सपेक्टेड माइनस करें, 400 में से 300 माइनस करें तो 100, 200 में से 300 माइनस करें तो माइनस का 100, क्योंकि ये 200 माइनस 300 ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का होगा। 100 में से 200 माइनस करें तो ये भी माइनस का 100। और नेक्स्ट हमारे पास ये है कि 300 माइनस 200 करेंगे तो प्लस का 100 आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में हमने क्या करना है कि अब्सर्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर करना है, ये फार्मूला बनाने के लिए कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड का फार्मूला क्या लिखा था हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक में, कि अब्सर्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर ओवर एक्सपेक्टेड। तो अब्सर्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर हम लेंगे
अपसॉर्ब माइनस एक्सपेक्टेड आपका ये था, इसका स्केयर लेंगे 100 का स्केयर लें तो 10,000, ये प्लस का 10,000, ये भी 10,000 और ये भी 10,000 आ जाना है। ये बाई चांस आपके सारी वैल्यूज 100 आई हैं, हर दफा ये 100 नहीं आएंगी। नेक्स्ट जो है लास्ट कॉलम जो आपने बनाना है उसमें क्या है कि अब्सॉर्ब माइनस एक्सपेक्टेड का स्केयर और डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड, इसी को अगर फॉलो करें, क्योंकि ये हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक था, तो एक्सपेक्टेड कहाँ है, ये दूसरे कॉलम में एक्सपेक्टेड की वैल्यूज ये वाली जो हैं, ये एक्सपेक्टेड की वैल्यूज हैं। तो ये आपके पास अब्सॉर्ब माइनस एक्सपेक्टेड का स्केयर है, इसमें क्या करना है कि अब्सॉर्ब माइनस एक्सपेक्टेड के स्केयर को आपने एक्सपेक्टेड पे डिवाइड करनी है। इसका मतलब यह हुआ कि चौथे कॉलम को दूसरे कॉलम की हर वैल्यू पे डिवाइड करते जाएं, जैसे ये 10,000 है डिवाइडेड बाय 300 करेंगे ये 33.33 आ जाएगा। नेक्स्ट भी इसी तरह 33.33 आ जाएगा, क्योंकि इधर भी 10,000 डिवाइडेड बाय 300 है, ये 10,000 डिवाइडेड बाय 200 है तो ये आपके पास 50 आ जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 200, नीचे भी 10,000 डिवाइडेड बाई 200 इक्वल टू 50 आ जाएगा। इसको जब इकट्ठा करेंगे तो 166.66 या 67 जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू क्या कहलाएगी, ये काई स्केयर कैलकुलेटेड या समिशन अब्सॉर्ब माइनस एक्सपेक्टेड का स्केयर ओवर एक्सपेक्टेड जो है ये कहलाएगी, ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्केयर आ जाएगी। तो कंक्लूजन करने के लिए आपने क्या करना होता है कि उसको क्रिटिकल रीजन में देखना होता है। क्रिटिकल रीजन आपने बनाई थी कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन काई स्केयर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू काई स्केयर एल्फा, या काई स्केयर एल्फा कितना था वो आपने टेबल से देखा था कि वो 3.84 था। अगर काई स्केयर कैलकुलेटेड इससे ज्यादा आ जाए तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये देखें, ये काई स्केयर कैलकुलेटेड जो आपने कैलकुलेट की है ये तो बहुत ज्यादा आ रही है टेबल से, देयरफॉर वी रिजेक्ट एच नॉट। कंक्लूजन होगा रिजेक्ट एच नॉट और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे जो ये कहते हैं कि एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट या एसोसिएटेड, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सेप्ट हो जाएगा। हम कहेंगे कि दोनों एट्रीब्यूट्स, क्रिकेट को खेलना या क्रिकेट देखना, और दूसरा जो एट्रीब्यूट था आपका कि जेंडर मेल और फीमेल जो थे ये दोनों आपस में एसोसिएटेड हैं। हो सकता है कि मेल अगर हों तो वो ज़्यादा क्रिकेट पसंद करते हों, फीमेल हों तो वो कम क्रिकेट पसंद करते हों। ये एग्जांपल थी। तो थैंक यू वेरी मच।